जिंदगी का कभी दी एंड नहीं होता। जिंदगी में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। कभी जिंदगी ऐसी राह पर चल निकलती है कि सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, कभी सब कुछ बुरा हो रहा होता है। इंसान जो चाहता है वो पा लेता है, जो सोचता है वो हो जाता है। ऐसा भी होता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है कि अचानक जिंदगी किसी और डायरेक्शन में चल निकलती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। दुनिया के हर इंसान की जिंदगी में ये फेज आता है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता रहे। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में बदतरीन वक्त आता है तो वो शदीद बुहरान और फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, मुकम्मल मायूसी का शिकार हो जाते हैं और दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाते। बुरे वक्त को याद करके रोते रहते हैं और रोते रोते मर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे वक्त से तो निकल जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से तो निकल जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त की यादें उनके साथ रहती हैं। हर वक्त पुरानी यादें उनके साथ साथ रहती हैं। बुरी यादों के जख्म उनके अंदर ताज़ा रहते हैं। इस दुनिया में तीसरी किस्म के लोग भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बुरे से बुरा वक्त आता है, उन्हें बदतरीन हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो बुरे वक्त का सामना बहादुरी से करते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बुरे वक्त से मुकम्मल तौर पर निकल जाते हैं, बुरे वक्त की यादें भी उनकी ज़िंदगी में नहीं रहती। इंसान की ज़िंदगी में जब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, ज़िंदगी में खो जाता है। वो ये भूल जाता है कि अच्छा वक्त है तो कल बुरा वक्त भी आ सकता है। अच्छे हालात हो तो वक्त भी तेज़ी से गुजर जाता है, लेकिन जब भी बुरा वक्त आता है इंसान की ज़िंदगी स्ट्रक हो जाती है और बुरा वक्त मुश्किल से कटता है। बुरे वक्त को काटना बहुत मुश्किल होता है और अच्छे वक्त को रोकना बहुत मुश्किल होता है। आपका कोई दोस्त जिसके साथ आप अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, हर वक्त उसके साथ रहते हैं, फिर ऐसा होता है कि वह दोस्त आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। फिर क्या होता है, उसके बगैर जीने का मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वो जो दोस्त ज़िंदगी से निकल गया, हम क्या करते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं। जितना उसे भूलने की कोशिश करते हो उतना ही वो याद आता है। अब सवाल ये है कि बुरे वक्त से कैसे डील किया जाए, कैसे बुरे वक्त का सामना किया जाए। ज़िंदगी वो अच्छी है जो बहती रहे, ज़िंदगी ऐसे गुजरे कि वक्त का पता भी ना लगे, ज़िंदगी ऐसे गुजरे कि इंसान हर लम्हा खुश रहे। इस तरह की ज़िंदगी हम ऐसे जी सकते हैं जब हमें ये मालूम हो कि आज अच्छा वक्त है, कल बुरा वक्त होगा। आज मेरा ये दोस्त है, मुमकिन है कल ये मेरा दुश्मन बन जाए। आज जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मुमकिन है कल वो मुझे छोड़कर चला जाए। जब इंसान को ये समझ आ जाती है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो उससे क्या होता है कि इंसान मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी के साथ जुड़ जाता है, ज़िंदगी के साथ एक हो जाता है। उसे मालूम होता है कि ज़िंदगी में खुशी और दुख आएंगे जाएंगे, यही ज़िंदगी है। इस खेल को समझना ज़रूरी है। जो ये खेल समझ गया वो कभी भी मायूस और फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होगा। जो इंसान खुशी के लम्हात में दुख की हल्की सी तस्वीर देख लेता है, उसे समझ आ जाती है कि आज खुश हूं तो कल दुखी हो जाऊंगा। वक्त अच्छे से अच्छा हो या वक्त बुरे से बुरा हो, इसका एंड रिजल्ट क्या है? इसका एंड रिजल्ट दी एंड है। रात है तो हमेशा ये रात नहीं रहेगी, दिन है तो हमेशा के लिए दिन नहीं रहेगा। दिन को रात में ढलना है, रात को दिन में ढलना है। अच्छा वक्त है, हमेशा ये अच्छा वक्त नहीं रहने वाला, बुरा वक्त भी आएगा, हमेशा बुरा वक्त भी नहीं रहने वाला। अच्छे वक्त को बुरे वक्त में ढलना है, बुरे वक्त को अच्छे वक्त में ढलना है, यही ज़िंदगी है। ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है।
हर रोशनी का एंड अंधेरा है, हर अंधेरे का एंड रोशनी है। जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है। हर लाइट का एंड डार्कनेस है, हर डार्कनेस का एंड रिजल्ट लाइट है। ये अंडरस्टैंडिंग अहम है। क्या अंधेरे के बगैर रोशनी मुमकिन है? क्या रोशनी के बगैर अंधेरे का होना मुमकिन है? बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त है, अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त है, दोनों एक ही हैं। दोनों का वजूद एक दूसरे से है। अच्छा वक्त है तो ही बुरा वक्त है, बुरा वक्त है तो ही अच्छा वक्त है। अंधेरा है तो ही रोशनी का सूरज तुलू होता है। हर आवाज का एंड क्या है? खामोशी। हर खामोशी का एंड क्या है? आवाज। जिस वक्त खामोशी होती है उस वक्त आवाज भी होती है। अगर खामोशी ना हो तो कहाँ है आवाज? अगर आवाज नहीं तो कहाँ है खामोशी? जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूं, ये कमरा किस वजह से है? स्पेस की वजह से। इस कमरे में अभी स्पेस है, ये कमरा नहीं रहेगा तो भी यहाँ स्पेस होगी। ये सारी दुनिया जो हमें दिलकश नजर आ रही है, कैसे नजर आ रही है? स्पेस की वजह से। स्पेस ना हो तो कहाँ है दुनिया? दुनिया है तो स्पेस है, स्पेस है तो दुनिया है। हम तमाम इंसानों के मसाइल की जड़ ये है कि हम बुरे वक्त से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, मरने से डरते हैं, दुखी होने से डरते हैं, गमगीन होने से डरते हैं, किसी को खोने से डरते हैं, सब कुछ चला ना जाए इससे डरते हैं। इंसान थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और सेंसेशंस के मजमूए का नाम है। ये चारों चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। थॉट्स भी बदलते रहते हैं, इमोशंस भी बदलते रहते हैं, फीलिंग्स भी बदलती रहती हैं और सेंसेशंस भी बदलती रहती हैं। दिस चेंज इज द एंड। सब कुछ बदल रहा है, इस बदलने को हम एंड कहते हैं। हकीकत में एंड नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सब कुछ बदल रहा है। जिंदगी मौत में बदल रही है, मौत जिंदगी में बदल रही है। किसी से हम मिलते हैं, अच्छी फीलिंग होती है, बार बार उससे मुलाकात होती रहती है, फिर क्या होता है? फीलिंग बदलने लगती है। अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग बन जाती है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त अच्छा भी है, बुरा भी है। एक सेकंड पहले हमें कुछ अच्छा लग रहा होता है, दूसरे सेकंड हमें वही कुछ बुरा लग रहा होता है। जिंदगी इस तरह चलती है। ये बदलाव जिंदगी है। इस बदलाव का नाम हमने मौत रख दिया है, द एंड रख दिया है। इस बदलाव से हम डरते हैं। इंसान मौत से बुनियादी तौर पर नहीं डरता, तब्दीली से डरता है। सेंसेशन, थॉट, फीलिंग और इमोशंस के अलावा जिंदगी कुछ नहीं है। ये चारों चीजें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, इनका यही काम है। बिल्कुल आवाज की तरह जो आ भी रही है, जा भी रही है। आवाज से पहले क्या था? खामोशी। आवाज के बाद क्या है? खामोशी। अगर आप इस खामोशी को समझते हो, इसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, इसके साथ आप कंफर्टेबल हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। आवाजें आएंगी, आवाजें जाएंगी, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आवाज़ अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन आप खामोशी को जानते हो, इसलिए बुरी अच्छी आवाज़ों में नहीं फंसोगे। इफ़ यू आर ओके विद द एंड, देन देर इज नो इश्यू इन लाइफ, बिकॉज एंड इज नॉट जस्ट एंड बट बिगिनिंग। हम क्यों डरे हुए हैं? किस वजह से डरे हुए हैं? कभी सोचा? सेंसेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स को बनाए रखना चाहते हैं हम। क्या चाहते हैं? हमेशा अच्छी इमोशंस रहें, अच्छे थॉट्स रहें, शानदार सेंसेशंस बनी रहें, हमेशा अच्छी फीलिंग्स आती रहे। हमारी जिंदगी की सारी स्ट्रगल यही है। इसी स्ट्रगल की वजह से या हम खुश होते हैं या परेशान होते हैं, जबकि हकीकत क्या है? सेंसेशंस, इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स लम्हों में बदल रहे हैं। इनको एक जगह पर फिक्स नहीं किया जा सकता। हम क्या चाहते हैं? ये एक जगह फिक्स हो जाए। हम सब क्या चाहते हैं? हमारे साथ हमेशा अच्छा होता रहे। इसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होता, हमेशा अच्छा हो नहीं सकता। अच्छा वक्त है तो यकीनन बुरा वक्त भी आएगा। बुरे वक्त को रोकने का या टालने का कोई तरीका नहीं है। हम बुरे वक्त को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे खुश रहना है? हल्ले में कैसे खुश रहना है? कैसे दुख से बचना है, गम और तकलीफ से बचना है? जब हमने ये समझ जाना है कि मैं सिर्फ इमोशन,
फीलिंग, थॉट और सेंसेशन नहीं हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। मैं इस कायनात का मटेरियल काज हूँ। ये इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स और सेंसेशंस आएंगी जाएंगी क्योंकि ये बॉडी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये बॉडी नहीं हूँ। मैं कॉन्शियसनेस हूँ जो न पैदा हो रही है, न मर रही है और न ही बदल रही है। वो तो सिर्फ है, उसका होना ही सब कुछ है, मेरा होना ही सब कुछ है। ये समझ इंसान को तमाम किस्म के खौफ से निकाल देती है। इंसान की बुनियाद आवाज़ें और शोर शराबा नहीं है, ये आवाज़ें तो आती जाती रहेंगी। इंसान की बुनियाद साउंड ऑफ साइलेंस है। आवाज़ को मिटाया जा सकता है, जहाँ से आवाज़ आ रही है उस सोर्स को नहीं मिटाया जा सकता। इंसान का फितरी ताल्लुक आवाज़ों से नहीं है, साइलेंस से है, खामोशी से है। जो इंसान साइलेंस की अहमियत को समझ गया, उसे दुखी करने का कोई तरीका ही नहीं है। लड़ाई आवाज़ों की वजह से है, थॉट्स और फीलिंग्स या इमोशंस की वजह से है। खामोशी की किसी से लड़ाई नहीं है। रूमी किस से लड़ रहा है? किसी से भी नहीं लड़ रहा। बुधा किस से लड़ रहा है? किसी से भी नहीं लड़ रहा। लड़ कौन रहा है? हम लड़ रहे हैं। जब इंसान अपने घर को देख लेता है, जान जाता है कि उसका घर खामोशी है, तो फिर जितनी भी आवाज़ें आएं जाएं, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा इंसान किसी भी आवाज़ के साथ खेल सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, वो आवाज़ उसे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एवरीथिंग एंड्स एक्सेप्ट दी एंड, एंड दैट द एंड हैज़ नो एग्जिस्टेंस। इट्स जस्ट बॉर्न फॉर अ मोमेंट, बिकॉज जस्ट आफ्टर द एंड द न्यू स्टार्ट हैज़ बिगिन। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।